पिछले एक साल से जियोपॉलिटिक्स रशिया और यूक्रेन के आगे पीछे घूम रही है और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को मीडिया में इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज भी स्किप हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो न्यूज आपको पहले बताई हो उसका फॉलोअप जरूर करें। रिसेंटली गाम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान ने भी ये दावा किया था कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी मैरियन बायोटेक के दो मेड इन इंडिया कफ सिरप एम्ब्रोनॉल और डॉक वन मैक्स सिरप इनको कंज्यूम करने के कारण उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी। गाम्बिया के केस को देखकर स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि भारत की फार्मा कंपनीज को टारगेट करने के लिए ये सब किया गया होगा, लेकिन उज्बेकिस्तान वाले केस में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई उसके बाद पता चला कि मैरियन बायोटेक एक्चुअल में कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट कर रही थी। मैरियन बायोटेक नोएडा बेस्ड कंपनी है जो यूपी के अंडर आती है। उज्बेकिस्तान से बच्चों की मौत की खबर आते ही यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मैरियन बायोटेक के खिलाफ स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए थे, जिसके बाद यूपी ड्रग कंट्रोलर और सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज ने मैरियन बायोटेक के प्लांट में छापेमारी की और ये पाया गया कि प्रोडक्शन के दौरान मैरियन बायोटेक कई सारे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं कर रही थी। दवाई सेफ, प्योर और इफेक्टिव हो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हर एक देश की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निर्धारित करती है ताकि जो भी मेडिसिंस बन रही हों वो कंज्यूम करने में सेफ हों, उसके साइड इफेक्ट्स ना हों। मैरियन बायोटेक को भी ये सारे रेगुलेशंस फॉलो करनी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इनको फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा था और वहाँ पर कई सारे रूल्स की वायलेशंस हो रही थी, जिसके बाद यूपी ड्रग कंट्रोलर और सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज ने मैरियन बायोटेक के प्लांट का प्रोडक्शन लाइसेंस अचानक से सस्पेंड कर दिया था और मेडिसिन और ड्रग्स की प्रोडक्शन को रुकवा दिया था। प्रोडक्शन रुकवाने के बाद अब मैरियन बायोटेक के हेड्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मैरियन बायोटेक के 3 एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल जब यूपी पुलिस ने मैरियन बायोटेक के प्लांट के ऊपर रेड मारी थी उस वक्त वहां से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए थे। सैंपल्स की टेस्टिंग के रिजल्ट आ गए हैं, जिनसे पता चलता है कि मैरियन बायोटेक के सैंपल्स अडल्टरेटेड थे, यानी उनमें मिलावट थी और ऐसे सब्सटेंसेस थे जो किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। रिजल्ट आते ही सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद मैरियन बायोटेक के 5 एम्प्लॉइज के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। 5 में से 3 जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि मैरियन बायोटेक के 2 डायरेक्टर्स इस समय फरार चल रहे हैं और उनको नोएडा पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगी। उनकी तलाश जारी है और आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। अब क्योंकि मैरियन बायोटेक उत्तर प्रदेश की ज्यूरिस्डिक्शन में आती है, इसलिए इस केस में यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और मैरियन बायोटेक के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रिपोर्ट में दोनों फ्रॉड डायरेक्टर्स और अरेस्ट किए गए बाकी 3 एम्प्लॉयज के भी नाम है, लेकिन वो जानकर कोई फायदा नहीं, आप भी आखिरकार भूल ही जाएंगे। वैसे तो 2 महीने के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये चीज भी यहाँ पर नोट करने वाली है कि अथॉरिटीज को भी इंस्पेक्शन के बाद ही पता चला कि मैरियन बायोटेक कई सारी रेगुलेशंस और रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। ऐसे में क्यों ना भारत की सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में छापेमारी की जाए और देखा जाए कि कौन कौन सी कंपनीज रूल को फॉलो कर रही हैं और कौन कौन सी नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी की जान जाती है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, उसके बाद ही छापेमारी होगी, और अगर पहले से इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो फिर इन सब फार्मा कंपनीज को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता है। इनकी वजह से आज भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भारत के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, क्या उनका लाइसेंस भारत में डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।